एमपीवी सेगमेंट के अंदर भारतीय बाजार में किया की तरफ से हमें कारंस देखने को मिलती है और इस गाड़ी को भारतीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसका सीधा मुकाबला होता है मारुति सुजुकी अर्टिगा या फिर एक्सल 6 आप कह सकते हो, इन दोनों ही गाड़ियों से किया जो है वो कैरन्स के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स ऑफर करती है। लेकिन अब 2024 के अंदर नई कैरन्स को कंपनी ने अपडेट कर दिया है, यानी कि आप इसको कह सकते हो एक रिफ्रेशमेंट मिल गया है। रिफ्रेश फीचर्स के साथ में आपको अब नई कैरन्स देखने को मिलने वाली है। तो क्या कुछ अपडेट हुआ है, क्या है नई कीमतें, सारी जानकारी आपको मिलेगी आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। डिटेल में आपको बता दें 2024 किया कैरन्स के बारे में क्या कुछ अपडेट हुआ है। यदि उसकी बात करें तो देखो, फीचर्स तो अपडेट हुए हैं लेकिन कंपनी ने यहाँ पर वेरियंट्स भी बढ़ा दिए हैं। अभी तक जो आपको कैरन्स मिलती थी उसके अंदर लगभग 23 वेरियंट्स मिलते थे, अलग अलग ऑप्शन हैं यहाँ पे, तो अभी कंपनी ने वेरियंट्स को और बढ़ा दिया है और अब आपको 23 की जगह पर 30 वेरियंट्स मिलेंगे, यानी कि फीचर डिस्ट्रीब्यूशन और ज़्यादा होगा और ज़्यादा आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा वेरिएंट आपको खरीदना है तो आप उस वेरिएंट को खरीद सकते हैं। तो वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ गया है, अब 23 की जगह आपको 30 वेरिएंट कैरेंस के अंदर देखने को मिलेंगे। टॉप ट्रिम आप देखो तो वहाँ आपको एक्सलाइन ट्रिम देखने को मिलती है। अब एक्सलाइन ट्रिम को और भी ज़्यादा फीचर्स दे दिए गए हैं। एक्सलाइन ट्रिम के अंदर अब आपको डैश कैम देखने को मिल जाएगा, सभी विंडोज़ जो है वो आपको ऑटो अप एंड डाउन देखने को मिल जाएंगी, यानी कि वन टच अप एंड डाउन आप कर सकते हो। इसके अलावा वॉइस कमांड फीचर्स अब कैरन्स के टॉप मॉडल यानी कि एक्स लाइन ट्रिम में ऐड कर दिए गए हैं, जहां पर जैसे कि वॉइस कमांड से आप सनरूफ वगैरह आपने देखा होगा सोनेट और सेल्टॉस के अंदर आप ओपन कर सकते हैं, तो उसी तरह के फीचर्स जो हैं आप कैरन्स के अंदर भी यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा कंपनी ने नए वेरिएंट्स को लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा प्रेस्टीज ऑप्शनल, जिसकी कीमत 12,11,900 रुपये एक शोरूम आपको देखने को मिलेगी। इस वेरियंट के अंदर आपको स्मार्ट की, पुश बटन स्टार्ट और LED टेल लैम्प जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रेस्टीज ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेंगी। बाकी अगर आप इस वेरिएंट को डीजल इंजन के साथ में खरीदना चाहते हैं तो ये वेरिएंट आपको डीजल इंजन के साथ में भी देखने को मिलेगा, जहां आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। बाकी कैरन्स को अगर देखें तो भारतीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको 7 सीटिंग ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा 6 सीटिंग का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, जहाँ पर बेसिकली कैप्टन सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी और यहाँ आपको इंजन के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहाँ नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ले सकते हैं, टर्बो पेट्रोल ले सकते हैं, डीजल आप ले सकते हैं। सभी इंजन्स के साथ में आपको मल्टीपल ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, IMT आपको देखने को मिल जाता है। तो ट्रांसमिशन के भी अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं और इंजन के भी आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, वेरिएंट्स बहुत सारे हैं और कंपनी ने अब इसको और बढ़ा दिया है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो किया कैरन्स के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी डिज़ाइन वगैरह के अंदर कंपनी ने कोई मेजर चेंज नहीं किया, ये कोई फेसलिफ्ट नहीं है, यहाँ बेसिकली कंपनी ने नए फीचर ऐड किए हैं। 2024 आ चुका है, एक रिफ्रेशमेंट गाड़ी को देना था तो कंपनी ने वो इसको दिया है। बाकी आपको किया कैरन्स कैसी लगती है आप हमें कमेंट में बताएं, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ऑटो जंक्शन।